हेलो ऑल माय डियरेस्ट व्यूअर्स, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू AKB मशीन्स चैनल। दिस इज एकता फुल्ली ऑटोमेटिक थ्री हेड गोली सोडा मशीन। दोस्तों, ये एकता गोटी सोडा मशीन है जो कि ऑटोमाइज किया हुआ है हमने विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड गियर बॉक्स। ये जो सिस्टम है, ये होल एंड सोल सिस्टम जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, ओनली विद द हेल्प ऑफ बटन। जिस बटन को प्रेस करने से जो मशीन है वो इमीडिएटली रोटेट होना चालू हो जाती है। जनरली लोग जो है मैनुअल मशीन के ऊपर रोटेट करते हैं, मशीन को हाथ से घुमाते हैं। सो टू अवॉइड दैट, वी हैव गिवन अ टाइमर बेस्ड मोटर गेयरबॉक्स सिस्टम। सो यू जस्ट हैव टू प्रेस इट, जस्ट एडजस्ट द टाइम एंड देन द मशीन विल रोटेट। पहले तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि गोटी सोडा क्या है। वॉट इज गोटी सोडा? मैनी पीपल दे स्टिल डोंट नो वॉट इज गोटी सोडा। So let me explain you briefly what is goti soda. You must have seen this bottle. This is goti bottle, or you can call it as CODD bottle, or goli bottle, or banta bottle. There are lots of different names of this bottle. This is a retro type bottle. Around couple of 1500 years back, this bottle was very much in fashion and everyone used to drink because of a very strong quality of soda. ये जो दोस्तों गोटी सोडा जो है, ये all across the country, पूरे भारत में, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, हर एक जगह पे ये बहुत ही famous bottle है, जो हर व्यक्ति को, हर भारतीय को ये बहुत ही पसंद है। बचपन में भी आपने ये पिया होगा, और अभी ये वापस से एज अ रेट्रो फैशन इसका पिकअप आ गया है मार्केट के अंदर। सो बहुत सारे काउंटर जो है वो डिमांड करते हैं कि सर हमें मैन्युअली काम नहीं करना, हमें ऑटोमाइज फीचर्स डाल दीजिए मशीन के अंदर। सो बेसिकली ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक हमने कर दिया है, ये मैन्युअल पे भी काम हो सकता है इस पर, बट हमने इसको विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड गेयरबॉक्स इस मशीन को हमने फुल्ली ऑटोमाइज किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही मटेरियल जो है हैवी ब्रास मटेरियल यूज किया हुआ है टू अवॉइड एनी डैमेज। देन हमने यहाँ पे आप देखिए टोटल ब्रास मेटल कास्टिंग, गन मेटल, हर एक चीज जो है हमने हैवी ड्यूटी यूज किया हुआ है इसके अंदर। फिनिशिंग भी काफी हमने अच्छे से दिया हुआ है बिकॉज द मशीन शुड ऑल्सो लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो दोस्तों, इस मशीन को आप अलग अलग जगह पे आप इसको रख सकते हैं। आप इसको आपके काउंटर पे, आपके शॉप के ऊपर, दुकान पे भी आप इस मशीन को रख सकते हैं। ऐसे काउंटर पे भी रख सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की गर्दी रहती है, जहाँ पे आप मैन्युअली काम नहीं कर सकते हैं, आपको ऑटोमाइजेशन की ज़रूरत रहती है, आप वहाँ पे आप इस मशीन को रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कीप दिस मशीन एट द बार, यू कैन कीप दिस मशीन एट मल्टीप्लेक्सेस, बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप इस मशीन को रख सकते हैं। एंड इट विल बी वेरी मच अट्रैक्टिव, इट इज़ वेरी मच प्लीजिंग टू द आइज ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को मशीन को रोटेट करते हुए देखना बहुत पसंद है, और रोटेशन के बाद जो स्ट्रॉन्ग गोटी सोडा तैयार होता है वो पीने की मज़ा कुछ और ही है। सो इस मशीन जो है, हम आपको इस मशीन का एक ब्रीफ डेमो देंगे कि ये मशीन जो है ये कैसे काम करता है। वेरी इजी, इस मशीन को कोई भी ऑपरेट कर सकता है, इस मशीन को कोई अलग से आपको टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन भी काफ़ी ईजी है, हम आपको एक ब्रीफ डेमो देंगे कि मशीन का सेटअप कैसे किया हुआ है हमने। First of all, we will show you over here. This is a gas cylinder. ये CO2 gas cylinder है। ये जो cylinder है, ये आपको local market में आपको easily available रहेगा। ये CO2 gas, carbon dioxide gas. दोस्तों, ये carbon dioxide gas का cylinder है। ये आपको market में कहीं से भी मिल जाएगा। ये gas जो है, ये आपको खरीदना पड़ेगा। और ये जो gas है, इसको हमने फ्लेक्सिबल पाइप, ये फ्लेक्सिबल पाइप है, ये अलोंग विद द मशीन यू विल गेट दिस फ्लेक्सिबल पाइप, यू हैव टू कनेक्ट इट फ्रॉम हियर। आप ये देखिए, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे टाइट नट को हमने प्रेस करके कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो है दोस्तों, ये रेगुलेटर है। यहाँ पे हमने दूसरा स्लॉट हमने कनेक्ट किया हुआ है, बीच में हमने वॉशर डाले हुए हैं। वॉशर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लीकेज ऑफ गैस, हमने बीच में वॉशर्स भी डाले हुए हैं। अब ये जो रेगुलेटर है, इस पर हमने ऊपर ये प्रेशर मीटर गॉज है, इस पर दोस्तों आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको रीडिंग मिलेगी कि कितना आप प्रेशर दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे। और लास्टली दिस इज कॉक,
ये जो कॉक है ये आपको कंट्रोल करना है गैस के फ्लो को। गैस का फ्लो आप कॉक को स्ट्रेट करेंगे तो गैस रिलीज होगा, आप इस साइड पे प्रेस करेंगे तो गैस रिलीज होना बंद हो जाएगा। सो दिस इज ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ द कॉक। तो ये जो पार्ट है ये आपको यहाँ से इसको जोड़ना है, यहाँ पे नट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिट करना है पहले कॉक को। लेकिन फिट करने के टाइम पे आपको यहाँ पे वॉशर डालना जरूरी है, जहां जहां पे आपको फिटिंग करना है वहां पे वॉशर डालना बहुत जरूरी है टू अवॉइड लीकेज ऑफ गैस। गैस जो है उसका लीकेज उसके लीकेज पे काबू पाना बहुत जरूरी है, सो दैट आपका गैस वेस्ट ना हो, आपका गैस का ड्रेन ना हो। सो अलग अलग जगह पे आपको वॉशर्स डालने हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आपने पहले कॉक फिट किया, फिर आपने रेगुलेटर फिट किया, उसके ऊपर आपने जो प्रेशर मीटर गॉज है वो फिट किया, और फिर यहाँ पे नीचे से आपको फ्लेक्सिबल पाइप पूरा कनेक्ट करना है आपका CO2 गैस सिलेंडर के साथ। अभी ये जो है ये गैस ओपनर है, ये भी हम आपको देंगे किट में। यहाँ से आपको गैस ओपन करना है, गैस ओपन होने के बाद इमीडिएट यहाँ पे गैस का सप्लाई आ जाएगा। तो गैस आपका अभी चालू है, यहाँ पे सप्लाई आपका गैस का ऑन है। दोस्तों अभी गैस का सप्लाई ऑन है, कॉक हमने बंद रखा है, अभी हम यहाँ पे ओपन करेंगे मशीन को। मशीन में ये गैस का वॉल दिया हुआ है, देयर आर थ्री वॉल्स, यहां से गैस का सप्लाई होगा, 1 2 3। नीचे हमने दिया हुआ ये बेस, ये बॉटम नट है, इसको हमको लूज करना है। और यहां पे हमने रबर बेस दिया हुआ है फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ द बॉटल। सो दोस्तों जस्ट लाइक ग्लास बॉटल, जैसे ग्लास बॉटल है वैसे हमारे पास आपको 300 ml 200 ml का ग्लास बॉटल भी मिल जाएगा। और दोस्तों आपको हमारे यहाँ पे प्लास्टिक का भी आपको गोली बॉटल मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं गोली यहाँ पे अटकी हुई है, यहाँ पे गोली है ब्लू कलर की, आपको प्लास्टिक का भी बॉटल हमारे यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। सो आपको हम पहले बताएंगे प्लास्टिक बॉटल के अंदर कैसे मशीन काम करता है। सो फर्स्ट वी विल प्लेस इट, हम यहाँ पे बॉटल को प्लेस करेंगे, 1 2 and 3। प्लेस करने के बाद दोस्तों वी हैव टू टाइटन इट, बॉटम से आपको बॉटम नट को घुमा के आपको टाइटली आपको प्रेस करना है। ओके दोस्तों, नाउ मेक श्योर दैट ये परफेक्टली टाइटली फिट है। ओके एंड देन वी विल क्लोज इट, वी विल क्लोज द लिड, बहुत ही इजीली क्लोज होता है, टाइट फिटिंग है। एंड यहां पे आप देखिए हमने प्रेशर जो सेट किया हुआ है अराउंड 130 टू 140 के बीच में प्रेशर हमने सेट किया हुआ है। अभी हम गैस रिलीज करेंगे, गैस रिलीज हो चुका है। अभी दोस्तों अब यहां पे देखिए, यहां पे पावर ऑफ ऑन फीचर है, पहले हम पावर को ऑन करेंगे। यहां पे हमने टाइमर सेट किया हुआ है 1 मिनट। दोस्तों 1 मिनट विल बी इनफ टू गिव यू अ वेरी गुड क्वालिटी, आपको गुड अच्छी क्वालिटी का आपको COD गैस आपको इसमें प्राप्त होता है, अच्छी क्वालिटी का आपको गोली सोडा 1 मिनट में आपको प्राप्त होगा। बट अगर आपको और स्ट्रॉन्ग करना है सो यू कैन रिवॉल्व इट फॉर 2 मिनट्स, अब 2 मिनट तक भी आप आराम से कर सकते हैं। पावर को ऑन किया और जस्ट स्टार्ट बटन दबाया, अब देखिए रोटेशन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। मोटर तो 1400 RPM का है बट हमने 60 RPM का क्लॉक साइकिल हमने इसमें सेट किया हुआ है, बिकॉज 60 RPM के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा मिलेगा, इसलिए इसका जो RPM है हमने 60 पे सेट किया हुआ है। 1 मिनट विल बी इनफ टू गिव अ गुड क्वालिटी, 1 मिनट में आपको अच्छी क्वालिटी का आपको सोडा प्राप्त होगा। पर आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपके कस्टमर्स का डिमांड है कि हमें और स्ट्रॉन्ग अप करके दो, तो आप 2 बार भी इसको रिवॉल्व कर सकते हैं, यू कैन रिवॉल्व फॉर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, आप 3 मिनट तक भी उसको आप घुमा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज वी आर यूजिंग प्लास्टिक बॉटल, हम प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें डेंजर लेवल बिल्कुल भी नहीं है, देर इज नो डेंजर, देर इज नो हार्म ऑफ ब्रेकेज ऑफ बर्स्टिंग ऑफ बॉटल। अभी देखिए दोस्तों ये मशीन जो है ये बंद हुआ है आफ्टर 1 मिनट, तो हम पहले
ये हमने यहाँ पे गैस सप्लाई किया था, हम अभी यहाँ पे एक स्मॉल स्निफ्टिंग करेंगे। वन स्निफ्टिंग एंड देन मशीन को हम जो है ये घुमाएंगे। मशीन विल बी डाउन, अपसाइड डाउन है मशीन। अभी अपसाइड डाउन के टाइम पे हमें एटलीस्ट टू टाइम्स हमको स्निफ्टिंग करना पड़ेगा। वन स्निफ्टिंग विल टेक आउट लिटिल बिट ऑफ द वॉटर आउट एंड देन नाउ यू कैन सी कि बिल्कुल भी यहां पे पानी नहीं आ रहा है, विच मीन्स दैट गोली जो है वो बराबर तीनों बॉटल में अटक गई है। यहां पे हमने ओपन रखा है, यहां पे हमने क्लोज कर दिया है, जो गैस है उसका सप्लाई बंद कर दिया है हमने। अभी मशीन को फाइनली हम यहां पे रोटेट करेंगे। अभी दोस्तों हम आपको सोडा की क्वालिटी बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, लेवल भी परफेक्ट है, तीनों का लेवल देखिए परफेक्ट लेवल में फिल हुआ है। अभी दोस्तों हम बॉटम को लूज करेंगे। बॉटम को लूज करने के बाद हम बॉटल रिलीज करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों गोटी परफेक्टली अटक गई है, तीनों बॉटल में गोटी अटक गई है। अभी हम दोस्तों गोली का स्ट्रेंथ बताएंगे, अभी हम सोडा का आपको स्ट्रेंथ बताएंगे, कितना स्ट्रॉन्ग गोटी सोडा बना हुआ है। दोस्तों ये बॉटल ओपनर है, ये बॉटल ओपनर भी आपको हमारे एकता के यहां से मिल जाएगा। अभी हम ओपन करेंगे, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग सोडा बना है। अभी हम इसको डालेंगे ऑरेंज फ्लेवर में। आप देख सकते हैं जो बबल्स है वो कैसे बाहर आउट हो रहे हैं, इतना स्पार्कलिंग सॉफ्ट ड्रिंक बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग स्पार्कलिंग सॉफ्ट ड्रिंक बना हुआ है। ऐसे दोस्तों आप इस प्रकार के अट्रैक्टिव फ्लेवर्स, ऑरेंज, ब्लूबेरी, लींबू मसाला, जीरा मसाला, पुदीना मसाला एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडियन स्पाइसेस फ्लेवर्स एंड ऑल काइंड ऑफ इंग्लिश फ्लेवर्स ऑल्सो, लाइक क्लियर लेमन, एनर्जी ड्रिंक, गोल्डन एप्पल, ऑल दीज इंग्लिश फ्लेवर्स ऑल्सो, यू कैन सी ओवर हियर। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ से, लाइक लाइम लेमन, ऑरेंज, जिंजर लाइम, ब्लूबेरी, मैंगो, क्लियर लेमन, जीरा, नींबू मसाला, एनर्जी ड्रिंक, ड्यू ऑन द बेस ऑफ माउंटेन ड्यू सिमिलर टू दैट, देन पाइनएप्पल फ्लेवर, गोल्डन एप्पल विच विल गिव यू अ वेरी नाइस ब्राउन कलर इफेक्ट, अ स्पार्कलिंग ब्राउन कलर इफेक्ट, और ये प्रिजर्वेटिव एंड इवन द जीरा पाउडर, जो जलजीरा पाउडर जो लगता है सोडा में मसाला डालने के लिए, जो सोडा मसाला रहता है दोस्तों, आपको ये भी मिल जाएगा हमारे यहाँ से। एंड ऑल्सो यू विल गेट क्रेट, आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रेट भी मिलेगा बॉटल्स रखने के लिए, जो क्रेट लगता है आपको वो भी हमारे यहाँ से मिल जाएगा। आपको बॉटल्स भी मिल जाएगी, ग्लास बॉटल 300 ml, 200 ml, देन 250 ml स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक गोली सोडा बॉटल, ये भी मिल जाएगा आपको दोस्तों। एवरीथिंग
हर एक चीज आपको बॉटल फ्लेवर मशीन फॉर्मुलेशन मतलब आपको एक गोटी सोडा का काम स्टार्ट करने के लिए जो जो चीजें लगेगी हर एक चीज आपको हमारे यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगी, हर एक चीज आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी, फ्रॉम ए टू जेड एवरीथिंग यू विल गेट फॉर गोली सोडा मशीन फ्रॉम अस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।